हेलो, इस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डिज़ाइन टैब की रिबन आ जाएगी। ये देखो, यहाँ पे पहला ग्रुप है थीम ग्रुप, दूसरा है वेरिएंट्स ग्रुप और तीसरा है कस्टमाइज ग्रुप। तो अब क्या है, हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप को करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को करने के लिए यहाँ पे हम चार स्लाइडें बनाएंगे। तो चार स्लाइडें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे। ये देखो, दूसरी स्लाइड बन गई। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, ये तीसरी, कंट्रोल एम, ये चौथी स्लाइड यहाँ पे बन जाएगी। तो ये चार स्लाइडें यहाँ पे बन गई। बनने के बाद क्या है, हम यहाँ पे थीम ग्रुप में जाएंगे। में जाने के बाद ये हमारे पास अलग अलग थीम पड़ी हुई है, तो जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वही थीम हमारी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगी। सपोज करो ये थीम हमें चाहिए, इस थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थीम हमारी सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगी। ये फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। ये देखो, यहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने पे ये देखो, हमारी जितनी भी स्लाइडें हैं सभी स्लाइडों में ये थीम अप्लाई हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो है थीम, फर्स्ट स्लाइड में अलग थीम हो, सेकंड में अलग हो, थर्ड में अलग हो और फोर्थ में अलग हो। अलग अलग थीम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंडू करते हैं। ये देखो, अंडू किया। अंडू करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अलग थीम रखनी है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड हमारी सेलेक्ट है, सेलेक्ट इसके बाद यहाँ पे हम ये थीम रखेंगे। तो ये थीम कैसे रखनी है, हमने यहाँ पे इस थीम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, इसका मतलब होता है कि ये थीम सभी में अप्लाई हो। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो हमने सेलेक्ट की हुई है स्लाइड उसी में अप्लाई हो, तो हम ये सेकंड, ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये थीम इसी के लिए अप्लाई होगी। ये बाकी थीम, ये इसमें ये थीम अप्लाई नहीं हुई, केवल फर्स्ट स्लाइड के लिए ये थीम अप्लाई होगी। अब सेकंड के लिए हमने अलग चाहिए तो इसके ऊपर इसको सेलेक्ट किया, सेकंड स्लाइड को। और यहाँ पे सपोज करो ये थीम चाहिए तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे, ये अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखो, ये दूसरी स्लाइड है, इसमें ये थीम आ जाएगी। यहाँ पे हम तीसरी स्लाइड को यहाँ पे लेंगे। लेने के बाद तीसरी स्लाइड और ये हमारी चौथी स्लाइड, यहाँ पे कोई भी थीम अप्लाई नहीं है, तो इन दोनों के लिए हम थीम अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करना है, इसमें और भी थीम यहाँ पे आ जाएंगी। तो जो भी थीम यहाँ पे चाहिए, ये देखो अलग अलग थीम है, तो हम क्या करते हैं, इस थीम को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है जो मैच कर रही है, जैसे ये ब्लैंक स्लाइड है तो ये जो है ब्लैंक स्लाइड है, और ये फोर्थ जो स्लाइड है हमारी ये भी ब्लैंक है, ये मैच कर रही है, तो इन दोनों के लिए ये जो थीम है ये अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, अप्लाई टू मैचिंग स्लाइड, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो जो स्लाइड मैच कर रही थी उन स्लाइड में ये अप्लाई हो गया है। ऊपर दूसरी स्लाइड और ये पहली स्लाइड के लिए ये अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये स्लाइडें इन स्लाइडों से मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए इसमें ये अप्लाई नहीं हुआ। ये तीसरी और चौथी स्लाइड मैच कर रही थी, दोनों ब्लैंक थी, तो यहाँ पे ये थीम आ गई। तो इस प्रकार हम इन स्लाइड्स में अपने हिसाब से थीम लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये सपोज करो ये हमारी थर्ड स्लाइड है, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे,
ये अगला जो हमारा ग्रुप है वेरिएंट्स, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद ये अलग-अलग हैं, जैसे ये है ये, तो यहाँ से भी हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे चाहिए। जैसे ये चाहिए तो ये अप्लाई हो जाएगा, ये चाहिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो अलग-अलग हैं जो भी हमें यहाँ पे चाहिए। सपोज़ करो हम यहाँ पे ये रखते हैं, ये लिया, लेने के बाद ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद ये थर्ड स्लाइड में अप्लाई हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेरिएंट्स का यहाँ पे मोर बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये कलर्स का है, उसके बाद फॉन्ट का है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स का है, उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर्स इसको लेंगे। तो अगर हम ये जो हमारी स्लाइड है इसमें कलर हम सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे कलर चेंज हुआ, इसके बाद ये कलर चेंज हुआ, इसके बाद ये कलर चेंज हुआ। तो यहाँ से जो भी कलर हमें चाहिए वो कलर हम यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करो हमें ये कलर चाहिए या ये चाहिए, ये कलर चाहिए, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मोर बटन पे जाएंगे और उसके बाद फॉन्ट। तो फॉन्ट को करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई शेप लेंगे। शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये शेप्स दी गई हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर बटन पे। क्लिक करने के बाद कौन सी शेप चाहिए, जैसे हमें ये शेप चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया और ये शेप हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे बनाई। बनाने के बाद यहाँ पे कुछ लिखेंगे। सपोज़ करो यहाँ पे मैं चैनल का नाम लिखूँगा। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ से इसका साइज़ 36 ये रखा, बोल्ड किया और इसको कलर में कर दिया, इस कलर में कर दिया। और इस शेप को फिर चेंज करेंगे हम। ये देखो ये शेप चेंज हो रही है, ये ऐसी चाहिए या ऐसी चाहिए। तो जैसे भी ये शेप चाहिए, जैसी ऐसी चाहिए, ये शेप हमने यहाँ पे बना दी। बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे। ये देखो यहाँ पे रखिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद वेरिएंट्स के मोर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉन्ट कमांड में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत से फॉन्ट दिए गए हैं, जिसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे वो फॉन्ट यहाँ पे चेंज होगा। ये देखो ये फॉन्ट ये चेंज हो रहा है। ये देखो इसमें ये फॉन्ट है, इसमें ये फॉन्ट है। अगर ये चाहिए ये अप्लाई करेंगे, ये चाहिए ये। इसके नीचे और भी फॉन्ट दिए गए हैं, ये देखो सभी फॉन्ट है यहाँ पे। जो भी फॉन्ट हमें यहाँ पे अच्छा लगेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज़ करो हम ये जो है ये फॉन्ट, ये हम यहाँ पे लेंगे, तो इस फॉन्ट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इस शेप को यहाँ पे नीचे यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे ले आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएंट्स ग्रुप के यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, हम जिस इफ़ेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे चेंज होगा। ये देखो इसको ये चेंज होगा, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ये जो हमारी शेप है ये चेंज होगी। ये जो हमने यहाँ पे शेप ली हुई है ये चेंज होगी। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट में। ये देखो जो भी हमारी शेप है इसमें देखो इफ़ेक्ट्स आ रहा है, ये अलग इफ़ेक्ट्स है या ये अलग है या ये अलग है। तो सपोज़ करो हम यहाँ पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। ये देखो ये इफ़ेक्ट अप्लाई किया, ये इफ़ेक्ट यहाँ पे हमारी इसमें शेप में आ जाएगा। इसके बाद हम ये जो शेप है इसको उठा के यहाँ पे सेंटर में रखेंगे।
सेंटर में रखने के बाद वेरिएंट्स ग्रुप में जो अगली कमांड है यह है बैकग्राउंड स्टाइल। तो हम अगर ये जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये हमारे पास बहुत से स्टाइल हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। देखो कौन सा स्टाइल चाहिए, जो भी स्टाइल यहाँ पे हमें अच्छा लगेगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो हमें ये बैकग्राउंड स्टाइल चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक किया, ये बैकग्राउंड स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा स्लाइड। तो इस वीडियो में हमने थीम्स ग्रुप और वेरिएंट्स ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।